चलो ठीक, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए मैंने आपको एक शीट दी थी, सब्जेक्टिव शीट नंबर 22। कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, तो इसके डाउट्स एक बार डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव शीट के, फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव शीट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव शीट 22 में क्वेश्चन नंबर 1 में जिन्होंने ट्राई की उनको कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है? ठीक, समझ में आ गया था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? हाँ, 2 में पक्का होगा यार, बनता है पूछना 2। कितनों को समझ में आ गया? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है कि व्हेन अ प्रोटॉन हैज अ वेलोसिटी ऑफ, ध्यान आगे, व्हेन अ प्रोटॉन हैज अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर हमें गिवन है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर भी हमें गिवन है। और अगर ये लाइन ना पढ़ी जाए तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो ऑब्वियसली हमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो फॉर्मूला यूज्ड अगर हम करें तो फॉर्मूला यूज्ड एफ वेक्टर इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। फोर्स वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है माइनस के कैप में, ये 13 है, या 13 कर लेना, यहां पर 13 फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है। चार्ज हमें पता है, वेलोसिटी वेक्टर हमें पता है, पुट कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि बी वेक्टर मुझे पता नहीं क्या है, और पुट मुझे वेक्टर ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं। तो ये मुझे आई कैप, जे कैप या के कैप की फॉर्म में गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मुझे क्या नहीं पता, मुझे बी वेक्टर नहीं पता, और ये मुझे निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बी नॉट है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस बी नॉट के पीछे क्या लगे, आई कैप, जे कैप, के कैप या क्या लगाऊं। तो इसके लिए इसने ये लाइन हमें मेंशन करके दी जिसमें से मुझे बी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। इस लाइन को पढ़ते हैं। उसने कहा व्हेन वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस। अब मुझे पता है जो एफ होता है वो क्यू इनटू वी क्रॉस बी होता है, तो फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, यानी कि इसका जो नया वेक्टर आएगा उसके पैरेलल होगा फोर्स, यानी कि उसके डायरेक्शन में होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज बी। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि व्हेन वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो वी के अपने मन में मैंने लिख लिया के कैप, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स की वैल्यू कहां पर, एक्स एक्सिस की जगह मैंने अपने मन में आई कैप। तो क्वेश्चन ये है, वेक्टर का क्वेश्चन है कि यहां पर मैं कौन सा कैप लगाऊं कि मेरा आंसर आई कैप आ जाए, के क्रॉस क्या करूं कि मेरा आंसर आई कैप आ जाए। तो अगर मैं के क्रॉस जे, देखो लगेगा जे या माइनस जे क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर ये के है और अगर मैं यहां पर जे लगाता हूं तो के क्रॉस जे की वैल्यू होती है माइनस आई, पर मुझे क्या चाहिए, आई, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, माइनस जे, ताकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मुझे डायरेक्शंस में हेल्प मिलेगी कि अगर ये आई है, ये के है, तो ये माइनस जी है, तो मुझे पता लग गया कि बी का मैग्नीट्यूड अगर बी नॉट है तो उसकी डायरेक्शन माइनस जे है, तो बी नॉट के पीछे माइनस जे लगाया। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बारी है, तो आपको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, प्लस वन में हम करते हैं, तो आई क्रॉस जे आपको के देगा, जे क्रॉस जे आपको जीरो देगा। तो यहां से सॉल्व करके बी नॉट की वैल्यू आएगी, और बी नॉट में जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे कौन सा कैप लगेगा, माइनस जे कैप लगेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको ये पता लगता है कि जिन क्वेश्चन में बी की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालनी है, आपको आइडिया समझ में आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने को नहीं आया? इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको Q गिवन है, आपको V वेक्टर गिवन है, आपको B वेक्टर गिवन है, और आपको इसमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। चार्ज मुझे पता है, V मुझे वेक्टर फॉर्म में पता है, B मुझे वेक्टर फॉर्म में पता है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है निकालना, प्लस वन क्रॉस प्रोडक्ट, याद है वो मैट्रिक्स बना के करते थे। तो जिनको नहीं आता, जिनको दिक्कत है प्लस वन के वेक्टर्स में, डॉट एंड क्रॉस, प्लस वन का लेक्चर सुने 2019 का भी, उसकी शीट है, एक लेक्चर है एक घंटे में, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वहीं से आएगा। यहाँ पर वेक्टर का लेक्चर फिट नहीं हो सकता बीच में कि मैं आपको डॉट और क्रॉस सब सिखाऊंगा, तो आपको प्लस वन में रिविजन करनी पड़ेगी। बट यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक, पेन ले लो पीछे। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कितने लोगों को डाउट है? फोर डाउट है। देखो फोर्थ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने किया था, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बार इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज हमें ये गिवन है कि ये आपके पास एक सेक्ट, एक पोर्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और डायग्राम से मुझे पता भी लग रहा है कि इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है इट मूव्स इन अ सर्कल, और जैसी वो एरिया खत्म हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का तो वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाता है। तो ऐसा केस हमने लास्ट टाइम किया भी था अगर आपको याद हो, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल आ रहा है फिर वो सर्कल में गया और वो टेंजेंशियली सीधा निकल गया। ठीक, कोई डाउट है इसमें? तो सेम क्वेश्चन है, ज्योमेट्री अगर हम बनाएं इसकी तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी इसको देखते हैं। तो इसमें ज्योमेट्री ऐसे बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर है, चार्ज पार्टिकल आया वी नॉट, चार्ज पार्टिकल जैसे एंटर करता है सर्कल में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है और वो वी नॉट से ही जाता है। वी नॉट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता। तो ज्योमेट्री क्लियर है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका सेंटर जो आएगा वो कहीं यहां पे आएगा, और मान लो सर्कल में ये मूव कर रहे हैं रेडियस ऑफ आर। तो मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन। टाइम डिपेंडेंस का मतलब कि वेलोसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम। मैथ्स के लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जिन क्वेश्चन में टाइम की इन्वॉल्वमेंट है मैंने बताया था उनमें ये फॉर्मूला पक्का लगाना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। या फिर इसको सीखने का एक और तरीका है, अगर आपको सर्कुलर मोशन याद है प्लस वन का, तो क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में जो एंगल स्टैंडर्ड होता है वो क्या लेते हैं, ओमेगा टी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो थीटा इज ओमेगा टी इसमें, तो टाइम के साथ ओमेगा इंटू टी का प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसको हम इन्वॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसमें एक और चीज गिवन है भी, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास की रेशियो। केमिस्ट्री में शायद सुनते भी आप करते भी होंगे, चार्ज बाय मास की रेशियो स्पेसिफिक चार्ज। नहीं किया तो देख लो, चार्ज अपॉन मास की रेशियो अल्फा गिवन है, तो जहां जहां क्यू बाय एम आएगा वहां वहां क्या पुट करेंगे, अल्फा। क्लियर यहां तक? तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं है, पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको याद होगा। बोलो क्या, 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो टाइम पीरियड बाय 2 पाई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय बी क्यू, टी डिवाइडेड बाय 2 पाई क्या होता है, 1 बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो यहां से आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बी क्यू डिवाइडेड बाय एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और ओमेगा भी निकाल सकते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि ओमेगा का फॉर्मूला मैं क्या यूज कर सकता हूं, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है क्यू बाय एम, पर क्यू बाय एम की वैल्यू क्या लेने को कहा गया, अल्फा, तो बी नॉट इंटू अल्फा। और नेक्स्ट थीटा मैंने कहा स्टैंडर्ड क्या, ये कैसे आया, नहीं ये समझ में आ गया। तो ये रहा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें टी बाई टू पाई, क्योंकि टी बाई टू पाई फिजिक्स में वन बाई ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा आ गया, तो ओमेगा को ये लिख दिया, ओमेगा लिखा क्यू बाई एम की रेशियो क्या लेने को कहा, अल्फा, तो बी नॉट इनटू अल्फा।
तो ओमेगा को हम बी नॉट इंटू एल्फा इसमें पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से थीटा स्टैंडर्ड क्या लिया जाएगा, ओमेगा टी। अब ओमेगा हमने निकाल दिया बी नॉट एल्फा इंटू टी, तो देखो अब धीरे धीरे टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है, इसमें ओमेगा आ गया। नेक्स्ट है, अब मैं क्या चाहता हूं इसमें, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अच्छा ये देखो, ये वेलोसिटी देख रहे हो, मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक शॉर्टकट बताया था कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा, बनाओ यार थीटा डायग्राम में थीटा, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, कोई डाउट इसमें? तो एंगल थीटा थीटा क्लियर है, ठीक। मैंने लास्ट टाइम इसकी ज्योमेट्री बता दी थी कि एंगल सेम क्यों होते हैं। अच्छा अब यहां देखो, इस वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला वी नॉट कॉस थीटा, दूसरा वी नॉट साइन थीटा, सही। तो ये ठीक लिखा मैंने, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट आएगी अभी थोड़ी देर में, वेलोसिटी ब्रैकेट में टी का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर इज वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, वी नॉट साइन थीटा जे कैप, तो एक कॉम्पोनेंट एक्स में एक कॉम्पोनेंट वाई में, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब एक काम करेंगे, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें कितनी, थीटा हमने क्या निकाला हुआ है, बी नॉट एल्फा टी, थीटा की जगह बी नॉट एल्फा टी, इस थीटा की जगह बी नॉट एल्फा टी, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में चेक करो, टाइम आ गया टाइम, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी का वेक्टर चेंज होगा, कोई डाउट इसमें? तो वेलोसिटी वेक्टर को टाइम डिपेंडेंट कैसे बनाना है, टाइम की फॉर्म में कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब सेम क्वेश्चन करना है, पोजीशन वेक्टर को लिखना है। तो हम वेक्टर में क्या किया करते थे, वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर में ये बताया करते थे कि अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो उसका पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये रूल है। अगर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई गिवन है तो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो वही करने जा रहे हैं। मान लेते हैं यहां पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस कितना है एक्स, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस कितना है वाई। तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये देखो, आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये स्टेप क्लियर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्लियर है, ठीक। अब अगर आप यहां पर ज्योमेट्री को देखें, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये रेडियस आर है, तो यहां पर साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाई आर, यहां पर जो साइन थीटा है इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, आर इंटू साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर वाई निकालना है, ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो वाई निकालो यहां पर क्या होगा, ये डिस्टेंस कितने है आर, रेडियस है ना पूरे का पूरा, ये भी आर तो ये भी आर, तो बना लो अपने डायग्राम में ये पूरे का पूरा आर, बनाओ ये पूरे का पूरा आर है। मैं क्या करने वाला हूं, इस आर में से इस डिस्टेंस को माइनस करने वाला हूं, तो मेरे पास किसके डिस्टेंस आ जाएगा, वाई का, तो वाई विल बी इक्वल टू आर माइनस दिस डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक? और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बोलो कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन आर, तो दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये हाइट क्या आएगी, आर कॉस थीटा, ये आएगा आर साइन थीटा, ये आएगा आर कॉस थीटा, तो आर में से आर कॉस थीटा गया तो क्या आएगा, वाई। तो आप चेक कर सकते हो कि एक्स एक्सिस की जगह मैंने पुट कर दिया आर साइन थीटा, ये देखो, और वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आर माइनस आर कॉस थीटा। अब कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो उसका आर का फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, उसका आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाय बी नॉट क्यू या बी क्यू। अब इसमें मास को इसके नीचे ले आओ, चार्ज और मास, स्पेसिफिक चार्ज आपको गिवन है कितना, एल्फा, तो रेडियस को एल्फा की फॉर्म में लिख लिया। इस आर को उठा के यहां यहां और यहां पुट कर सकते हैं आप, इन में से आर को कॉमन निकाल लो इन तीनों में से, तो आर तो बिल्कुल बाहर आ गया, और आर की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर लिया, कॉमन निकाल के वी नॉट बाय बी नॉट क्यू एल्फा, ठीक, आर की वैल्यू ऊपर से निकाल ली ना, ये वी बी नॉट एल्फा, तो यहां से आर चला गया, यहां ये क्या बना, वन माइनस वन कॉस थीटा, ये रहा, और जहां जहां थीटा यूज कर रहे हैं वहां वहां ऊपर हमने थीटा निकाला था, चेक करो ऊपर एंगल थीटा क्या था, बी नॉट एल्फा टी, तो जहां जहां एंगल यूज कर रहे हैं वहां वहां थीटा की जगह बी नॉट एल्फा टी, कॉस ऑफ थीटा की जगह बी नॉट एल्फा टी। तो अब चेक करो आपने आर वेक्टर को भी टाइम की फॉर्म में निकाल दिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है
ये ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की बात नहीं है, बात यह है कि आप टाइम इन्वॉल्वमेंट कैसे करते हो, ये स्टेप्स हैं कुछ, किसी न्यूमेरिकल में इस टाइप से अगर यूज हो जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया पता लग जाता है कि कैसे ज्योमेट्री को यूज करके हम आर वेक्टर और वी वेक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने किया और हो गया? कितनों को डाउट है इसमें? ओके देखो, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जिसका मास है एम, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। पहला पार्ट है अगर अल्फा एंगल पर एंटर करता है, क्वेश्चन है कि बीटा बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा? अल्फा, वो क्यों? क्योंकि जितने एंगल पर पार्टिकल एंटर करता है उतने एंगल पर बाहर भी निकलता है, लास्ट टाइम हमने रिजल्ट किया था, तो ये तो देखते ही आ गया अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, बात क्लोज हो जाती है। लेकिन उसने अगले पार्ट भी पूछे, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसने कितना समय बिताया इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये आग को कवर कर रहा है। अब ये टाइम निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, और ज्योमेट्री मैंने आपको बना के दी हुई है कि कभी भी इस टाइप की ज्योमेट्री आएगी तो सर्कल का सेंटर यहां मिलेगा, रेडियस आर और आर हो जाएगा, इसको ज्वाइन करेंगे और ये बराबर बराबर एंगल अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, फिर ऐसे ये अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा और अल्टरनेट से अल्फा, तो ज्योमेट्री लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम में जब भी प्रॉब्लम आएगी उस टाइम सोचना थोड़ी ना होता है कि ज्योमेट्री कैसे बनेगी, वो तो मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए कि अगर एंगल पर कोई पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री वैसे तैयार हो जाएगी, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं करके गए। ठीक है यहाँ तक? तो अब इसके अंदर ये अल्फा अल्फा आपको निकालना है कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम के लिए काम करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को वी से डिवाइड कर देते हैं स्पीड से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा? टाइम, क्योंकि स्पीड तो चेंज होती नहीं, वो तो वी नॉट वी नॉट वी नॉट ही रहेगी, तो वी नॉट से एंटर करेगा वी नॉट से बाहर आएगा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सर्कल में घुमाती है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं आर्क ए बी सी, इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? टोटल टू अल्फा, टू अल्फा। हमें एक सेक्टर का रिजल्ट पता है, सेक्टर का रिजल्ट क्या होता है? एंगल इज आर्क बाय रेडियस, एंगल इस पूरी आर्क ने कितना सबटेंड किया? टू अल्फा, आर्क बाय रेडियस, तो आर्क क्या होगा? एंगल इनटू रेडियस, रेडियस सर्कल का क्या होता है? एम वी बाय बी क्यू, तो डिस्टेंस आ गया ए बी सी, इस ए बी सी को वी नॉट स्पीड से डिवाइड करें टाइम आ जाएगा, तो इस डिस्टेंस ए बी सी को वी नॉट से डिवाइड किया तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल होकर आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाई कैलकुलेटिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। पॉइंट समझ में आ रही है? आर्क की वैल्यू कैसे निकलेगी इन टाइप के क्वेश्चन में? सेक्टर बनेगा तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो पक्का लगेगा ही लगेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है यहां तक? फिर उसने ये पूछा फाइंड डिस्टेंस एसी। अब डिस्टेंस एसी निकालना है, ये रहा, इसके दो मतलब है। अगर तो बोलता है डिस्टेंस एसी, फिर तो मैं निकाल चुका हूं डिस्टेंस का मतलब ए से लेके बी से लेके सी, ये डिस्टेंस है, उसको बोलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट एसी, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालना चाहिए मुझे? एसी। ठीक है, तो डिस्टेंस बोलेगा तो एबीसी निकल चुका, आर्क एबीसी आ गया, ये रहा एबीसी, और अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, दोनों चीजें निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी, एडी का ट्वाइस करोगे तो एसी आएगा। एडी की वैल्यू इजीली निकल सकती है इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ये अल्फा ये आर, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू एडी बाय आर, तो एडी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, तो आर साइन अल्फा को डबल करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा एसी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री की हेल्प से ही ये सॉल्व होने वाला है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोगों ने देखते ही छोड़ दिया? एक तो स्टेटमेंट लंबी और डायग्राम भी अजीब सही है। ठीक, कितने ट्राई किया? हो गया? कुछ था ही नहीं, किया हुआ है, गलती से डल गया, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन थी, इसमें था ही नहीं कुछ भी। इसके अंदर ये था कि आपके पास दो वायर्स हैं, एक येरी, डॉट का मतलब इस वायर में करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब इस वायर में करंट अंदर जा रहा है, एक में करंट बाहर आ रहा है एक में अंदर जा रहा है, वो अलग अलग पॉइंट्स पे भी पूछ रहे हैं, जैसे यहां पे बी निकाल लो, तो जहां बी निकालना है वहां एक एम्पियर सर्किट लॉ के क्लोज्ड
पाथ, ये क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ। तो b इंटू इस क्लोज्ड पाथ 2 पाई r इज म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट है, एक करंट इसमें बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है। मैंने बताया था बड़े में से छोटे करंट को क्या कर देना है, माइनस। 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2। बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो जहां जहां कहेगा हमने वो इतने वो कर तो लिए केस ए बी सी की वायर्स ली, तो वो सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल पूछ लिया कि इसमें यहां पे निकाल दो बी कितना है। तो एक हॉलो वायर के अंदर बी कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो बी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, या अलग अलग पॉइंट पे पूछ रहा है बेसिकली वो कि कहां पर बी होगा। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है, आपको ट्राई करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एम्पियर सर्किट लॉ के वायर्स वाले केसेस को किया हुआ है। ये क्वेश्चन तो डेरिवेशन ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है। एम्पियर सर्किट लॉ की फोर्थ डेरिवेशन थी, एप्लीकेशन थी, एक सॉलिड वायर के इनसाइड बी निकालो और बाहर बी निकालो, तो वो तो एक सीबीएसई एनसीईआरटी की डेरिवेशन ही है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा हुआ है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन में हो गया हमसे। ये इजी क्वेश्चन है, कितने को समझ में आ गया ये, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फोर्स वेक्टर गिवन है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है। फोर्स वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं वीएक्स आई कैप और वीवाई जे कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आई क्रॉस के जे क्रॉस के, तो ये टर्म आ जाती है। फिर आई वाली टर्म को आई से कंपेयर कर लेते हैं, जे वाली टर्म को जे से कंपेयर कर लेते हैं, वीएक्स और वीवाई आ जाएगा। फिर टोटल वेक्टर इज वीएक्स आई कैप प्लस वीवाई जे कैप, वीएक्स और वीवाई की वैल्यू को पुट कर देंगे आंसर। तो बेसिकली फिर एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, कितनों को डाउट है इसमें, सबका हो गया, बाकी सबका हो गया, किया ही नहीं। सॉल्यूशन देके सोचा कि छोड़ यार, इतना दिमाग कौन लगाएगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक, देखो इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है, अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। एक चार्ज पार्टिकल का, ये ना क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था आज हमने। एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10^6 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अगर वेलोसिटी का एंगल 45 है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे वी कॉस 45, वी साइन 45। वेलोसिटी ने एक्स वाई प्लेन में एंगल 45 बनाया, तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे, वी, वी का मतलब 10^6, कॉस 45 का मतलब 1/√2, वी साइन 45 का मतलब 1/√2। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। फिर वो कह रहा है फोर्स वेक्टर, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5√2 मिली न्यूटन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। मिली का मतलब 10^-3 करो यहां पर, -3। तो फोर्स वेक्टर -3 और लॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब -k कैप। मुझे क्या निकालना है इसमें, बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी वेक्टर। तो मैंने रूल लगाया एफ इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी। एफ वेक्टर फॉर्म में पता है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पता है, प्रॉब्लम फिर वही है, मुझे बी के पीछे क्या कैप लगाना है वो पता ही नहीं। ये सेम सेकेंड क्वेश्चन वाली सेम सिचुएशन है। तो उसके लिए आपको एक और स्टेटमेंट गिवन है, व्हेन सेम पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ v2 अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि अगर वेलोसिटी जेड एक्सिस में है तो फोर्स इज इन वाई एक्सिस, तो फोर्स किस में है, वाई में। अब फोर्स वी और बी आपस में 90 पे होते हैं, अगर ये वाई पे है, अगर ये जेड पे है, तो बी किस में है, एक्स में, आई कैप में, इसीलिए पीछे क्या लगाया, आई कैप। फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस आई कितना है, -k है। तो यहां से सॉल्व किया, फिर बी नॉट की वैल्यू आई, बी नॉट आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में बी नॉट के पीछे आई कैप लगा देना। मतलब ये सेम सेकंड क्वेश्चन की कॉपी है, कि पहली बारी में बी की डायरेक्शन पता ही लगती, तो फिर हम सेकंड लाइन से बी की डायरेक्शन को निकालेंगे। ठीक, ठीक। सो इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, कितने लोगों को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, कितने को डाउट है, डाउट है। देखो मैं इस क्वेश्चन को करने की एक सिंपल टेक्निक बताता हूं। वो क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिनमें ना पोटेंशियल वर्ड जरूर गिवन होगा वी। अब पोटेंशियल वर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल को, पहले उस क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को आपने वी पोटेंशियल दिया। ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट कॉमन है इस चैप्टर में। चार्ज पार्टिकल को जब वी पोटेंशियल देते हैं तो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, कितनी क्यू इंटू वी। वो एनर्जी लेके, वो काइनेटिक एनर्जी लेके वो आगे मूव करेगा कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के ये दो फॉर्मूलाज बहुत फेमस हैं, तो कैसे भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तीसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा फेमस है के का, जो कि पी स्क्वायर बाय टू एम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पी फॉर मोमेंटम, एम इंटू वी, तो आंसर हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा। तो यहां से पी की वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, टू एम के का अंडर रूट। और मुझे पता है जो रेडियस होता है एक पार्टिकल का जब वो सर्कल में मूव करता है वो क्या होता है, वो ये होता है एम वी, क्या होता है, मोमेंटम होता है। इस मोमेंटम की जगह पुट कर देते हैं अंडर रूट ऑफ टू एम के, टू एम के डिवाइडेड बाय बी क्यू, ये लो। तो किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। तो मतलब रेडियस को आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इवन काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी के को आप रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, कुछ ऐसे। ये स्टेप समझ में आ रहा है, तो के को लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सॉल्यूशन के साथ पहले नोट लिख लें, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है, तो वन टाइम इसे नोट कर लें, क्योंकि बार बार मैं इसको यूज नहीं करने वाला, मतलब एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वन टाइम है। हाँ, मतलब कई बुक्स तो आप मानोगे नहीं, कई बुक्स में ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं सीधा, डन, काम ही खत्म, कौन बार बार करेगा। पर याद करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ कि मतलब ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया, ये फॉर्मूला तो ओरली वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में अगर के किस फॉर्म में गिवन है मैं क्या कह सकता हूँ, क्या पता ऐसे गिवन हो, क्या पता ऐसे गिवन हो, तो फिर वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। पर ये फॉर्मूला यूज बहुत होता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बहुत आती है इनके ऊपर, और आजकल तो मेंस और नीट भी सेम ही लेवल का चल रहा है, तो उनमें भी सेम ही प्रॉब्लम बहुत आती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस का फॉर्मूला यहां तक क्लियर करने का, वो भी तरीका है नो डाउट, बट वो लंबा तरीका है, ये सही है तरीका। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इलेक्ट्रॉन बीम टीवी ट्यूब के अंदर एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 2 किलो वोल्ट। तो समझ में आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, पोटेंशियल वी दिया, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम से कम पता है हमें, चार्ज इंटू पोटेंशियल। Then it passes through region of transverse magnetic field. Transverse का मतलब perpendicular. तो electron will move in a circle. फिर उसके बाद where it moves in a circular arc, दे दिया उसने with a radius of given. What is the B? तो क्योंकि V का formula use कर रहा है R के साथ, तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूं जो मैंने board पे अभी प्रूव किया, आप चेक करो, सेम चीज आ गई, सेम है करने का तरीका, बोर्ड वाला यूज कर लिया हमने, तो ये रेडियस आ गया इन टर्म्स ऑफ वी। अब क्योंकि मेरे को तो बी निकालना है, तो बी इधर आर नीचे, वैल्यूज पुट कर दो, ज्यादा ही है, चार्ज को अंदर ले जाओ, क्यू स्क्वायर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल, तो क्यू आ गया। तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन का रेडियस पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल 2 किलो वोल्ट है, 2 × 10³ वोल्ट, और चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, ये सॉल्व करके इतने टेस्ला आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी का। तो इस तरीके से शीट को आपको ट्राई करना था, और आपने किया नहीं किया ये आपको देखना है।